वीडियो में हम लोगों ने अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग अल्टरनेटिव करंट के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में अब तक आप काफ़ी हद तक अल्टरनेटिव करंट से वाकिफ हो चुके हैं, आज हम लोग जो है एसी करंट थ्रू रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। मतलब कि रेजिस्टेंस के अंदर से एसी करंट किस तरीके से फ्लो करता है, उसका ट्रेंड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं, उसके अंदर वेरी करती हैं रेजिस्टेंस के अंदर एसी करंट की, आज हम उसे डील करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये कुछ वायर्स थी जिसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर अपना एसी सोर्स लगा दिया है। इस वायर के साथ चूँकि अब हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग रेजिस्टेंस को लगा कर यहाँ पर सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, सर्किट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा सर्किट है ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर हम लोगों ने आर रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है और ये जो सोर्स है ये हमारा एसी सोर्स है। आपको मालूम है कि एसी सोर्स जो है वो हर लम्हे के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग बात कर लेते हैं कि इस तरीके से ये हमारे पास एसी करंट है जो कि रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो रहा है। हमें मालूम है कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसी बात है जब करंट फ्लो करेगा तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल से आएगा। ये जब यहाँ तक पहुँचता है तो हमारे पास जो टाइम है वो टी बाई फोर होता है, यानी कि क्वार्टर टाइम का हिस्सा कम्प्लीट होता है। जैसे कि सर्कल के अंदर चार हिस्से होते हैं ना, तो ये हिस्सा हमारा क्वार्टर कहलाता है, ये हाफ और ये फिर यहाँ पर आके सेमी सर्कल भी कह सकते हैं और ये यहाँ पर आकर कम्प्लीट सर्कल हो जाता है। हम लोगों ने फेस की बात की थी लास्ट वीडियो में कि फेस क्या है। फेस के बारे में हम लोगों ने कहा था कि फेस एंगल भी है, टाइम भी है, जो स्पेसिफाई करता है किसी भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब ही लम्हाती है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू चाहिए तो वो आपको गिवन करता है। और जो फेस है, फेस हमें टाइम और एंगल के साथ स्पेसिफाई कर देती है इन चीज़ों को। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर टी बाई फोर हिस्से में आता है, हमारा करंट शुरू होता है, चूँकि हमारा एसी करंट है अब वो स्टार्ट हो चुका है, तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल से शुरू हुआ है, लेट्स सपोज कि पॉजिटिव से हुआ, तो जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो हमें मालूम है कि जो हमारा एंगल है वो पाई बाई टू होगा, चूँकि 90 एंगल होगा। अब जैसे ही हमारा करंट मज़ीद फ्लो करना शुरू होता है, तो अभी हम लोग ये करंट की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल कि अभी मैं जो ये वेव बनाने जा रही हूँ एसी की थ्रू रेजिस्टेंस के अंदर, ये करंट वेव है। अब क्या होता है, इसे यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये हमारी करंट वेव आ रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि करंट मज़ीद उसके अंदर से फ्लो करता है। जब करंट मज़ीद उसके अंदर से फ्लो करता है तो हमारा ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। जब ये इस पॉइंट पर आता है तो हमारा जो टाइम है वो टी बाय टू हो जाता है, और यहाँ पर आके जो एंगल है जाहिर सी बात है वो पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया, हाफ सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारा जो पॉजिटिव साइकिल है वो भी कंप्लीट हो गया। जैसे ही अब अल्टरनेटिव करंट अपनी जो है डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो अब ये काम नीचे से बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि प्रूफ आना शुरू हो जाएगी। अब क्या होता है, बल्कि इसको समझने के लिए मैं साथ साथ यहाँ पर इस तरीके से भी बना देती हूँ कि ये हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये हमारा एसी सोर्स है। जब एसी सोर्स पॉजिटिव से पहले में हमारे पास पॉजिटिव साइकिल बना है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो करंट है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो हमारा जो करंट है वो तकरीबन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से फ्लो हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल बन गया। अब जब टी बाय टू से हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या हुआ है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है इसी तरीके से, और यहाँ पर हम लोगों ने चूँकि सोर्स इस्तेमाल किया है, ये हमारा अल्टरनेटिव सोर्स है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इस साइकिल में नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो अब क्या होता है कि जब नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है तो हमारा, अब जैसे ही हमारा टाइम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा जो टाइम है तकरीबन 3t by 4 तक आ जाता है, तो इस पॉइंट पर आकर हमारा जो एंगल है वो 3 pi by 2 हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रफ जो है हाफ कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा काम जो है वो मज़ीद आगे की तरफ स्टार्ट होता है, क्योंकि करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगले हाफ साइकिल के लिए फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट अब रिवर्स हो गया है ना, और यही तो इसी की खासियत है कि उसमें करंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब जैसे ही हमारा टाइम पीरियड मज़ीद बढ़ता है, यानी कि हमारा वक्त बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पर पहुँच कर जो है हमारा टाइम टी कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो एंगल है वो 2 पाई भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये करंट की वेव जो है आर में, यानी कि अगर रेजिस्टेंस के अंदर हम एसी करंट की बात करें, तो वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर काबिले गौर और याद रखने वाली बात ये है कि अगर हम एसी थ्रू रेजिस्टेंस बात करते हैं,
तो रेजिस्टेंस के अंदर से करंट और वोल्टेज हमेशा इन फेज होते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो, आपने पढ़ा है ना, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इन फेज और आउट फेज की बात की थी कि आउट फेज तब होता है जब उनमें पाई बाई टू का डिफरेंस आ जाता है और इन फेज तब होता है जब उनमें डिफरेंस नहीं आता। ये करंट की वेव थी, तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास यूं कटी हुई ये वोल्टेज की वेव इसी पॉइंट से गुजरती हुई, इस तरीके से ये हमारे पास जो है ये वोल्टेज की वेव आ जाती है। यानी कि दोनों ही आपस में इन फेज होते हैं रेजिस्टेंस के केस में। इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं कि अगर ये आपके पास इस तरीके से है तो ये आपके पास वोल्टेज और ये आपके पास करंट। इसे इस तरीके से हमें बनाना चाहिए थोड़ा सा, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल होते हैं चूँकि इनमें इन फेज हैं तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, आउट फेज नहीं होते। तो इस तरीके से ये वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं, पैरेलल होते हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास आर के अंदर जो है अगर एसी करंट फ्लो करे तो वोल्टेज और करंट की जो उसकी जो फॉर्म बनती है, जो वेव फॉर्म बनती है, वो इन फेज इस तरीके से बनती है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर जो है उसको करंट देते चले जाएं तो उसके अंदर जो है वो वोल्टेज भी बढ़ता चला जाता है, जो कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। यानी कि हमें मालूम है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। सिमिलरली अगर हमें रेजिस्टेंस के अंदर से पावर भी मालूम करनी हो कि इस दौरानिया में रेजिस्टेंस के अंदर से कितनी पावर फ्लो कर रही है, तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमें मालूम है कि जो पावर है वो हमारे पास I इंटू वी का प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास जो पावर है वो बेसिकली वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर आ जाएगी इस रिलेशनशिप के थ्रू। तो यहाँ पर हम जो है रेजिस्टेंस के अंदर इस्तेमाल होने वाली पावर के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना चाहें, यानी कि रेजिस्टेंस का केस पढ़ रहे हों और एसी सोर्स हम लोगों ने लगाया हो, तो हमारा जो एसी सोर्स होता है या हमारे उस सोर्स की जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये जो हमारी आर है ना, ये आर एफ पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है एफ पे। यानी कि ना ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इससे कोई मतलब नहीं है कि एक सेकेंड के अंदर इस पॉइंट से कितनी वेव करंट की और वोल्टेज की पास कर जाती है। मतलब कि फ्रिक्वेंसी पे हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड इसलिए नहीं करती कि हमारा वोल्टेज और हमारा जो करंट है वो इन फेज है, इसके इन फेज होने की वजह से ये इस पर डिपेंड नहीं करती। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का और हमारे रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप बनता है इस तरीके से, अगर ये फ्रीक्वेंसी है और ये रेजिस्टेंस है तो इसका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये यूँ पैरेलल आ रही होती है। क्योंकि रेजिस्टेंस जो कि फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट ही नहीं करती, उससे रिलेटेड ही नहीं है, उसके ऊपर इनडायरेक्टली जो है, या उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि इनडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी आपके पास जो है, कितने मेगाहर्ट्ज़ आ जाएँ, कितने भी हर्ट्ज़ आ जाएँ, उससे रेजिस्टेंस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर हम एसी सोर्स अप्लाई करें और रेजिस्टेंस के साथ अप्लाई करें, तो हमें एक एडवांटेज ये होता है कि हमें आउट फेज और इन फेज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, चूँकि दोनों ही इन फेज होती हैं और दोनों ही एट अ टाइम ही मूव कर रही होती हैं और दोनों ही पैरेलल होती हैं। तो ये सिर्फ एसी सोर्स था थ्रू रेजिस्टेंस। अब हम एसी सोर्स जो है थ्रू कैपेसिटर पढ़ते हैं कि उसमें कितना चेंजिंग आती है। अब देखिए कैपेसिटर्स के बारे में बात, अगर एसी सोर्स मुझे थ्रू कैपेसिटर मालूम करना हो, मतलब कि कैपेसिटर के अंदर से एसी सोर्स का जो रिएक्शन है, या एसी सोर्स लगाने से कैपेसिटर के अंदर किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ और किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ आती हैं और ये किस तरीके से रेजिस्टेंस से वेरी है, उसे देखने के लिए हम ये करते हैं कि अगर ये हमारा सर्किट है और ये हमारे जो है कैपेसिटर है, यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हम लोगों ने जो है इस तरीके से एसी सोर्स अप्लाई कर लिया है बैटरी की जगह, चूँकि सर्किट को कनेक्ट तो करना है ना किसी चीज़ से, यहाँ पर हम लोगों ने एसी सोर्स अप्लाई कर लिया है। हमें मालूम है कि जब हम किसी भी बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस कैपेसिटर के ऊपर जो है चार्जेस वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, चार्जेस जो हैं उस। हमें मालूम है कि जब भी हम एसी सोर्स अप्लाई करते हैं या कोई भी बैटरी लगाएं तो हमारा जो कैपेसिटर है उसके ऊपर हमारे पास चार्जेस एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के फ्लो होने से उसके बाद में उसके ऊपर चार्जेस इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं एसी सोर्स की, तो आपको मालूम है कि जो एसी सोर्स है, जाहिर सी बात है उसमें अपनी डायरेक्शन तो रिवर्स करनी है, मतलब कि हमें दोनों तरीके से इसका जो है वो काम करने का तरीका देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर किस तरह से काम करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर में क्या तब्दीली आती है। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने जो अपना काम है, जब हम लोगों ने एसी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया तो क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल से काम स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज, तो क्या होगा कि हमारे पास इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक अपर क्रस बन जाएगी और यहाँ पर हमारे पास जो है लोअर ट्रफ बन जाएगी। इस तरीके से हमारे पास क्रस और ट्रफ मिलकर एक कंप्लीट वेव बना देंगी।
अब ये वेव बेसिकली बनती किस तरह से, इस तरीके को समझने के लिए मैंने यहाँ पर पार्टीशन कर दी, चूँकि दो वेव्स है ना, ये जो है एक हाफ साइकिल में ये बनती है और हाफ साइकिल में ये बनती है, और कंप्लीट सर्किट में जो है एक कंप्लीट साइकिल में ये दोनों, ये जो वेव के दो पार्ट्स हैं वो बन जाते हैं। अब हमने चूँकि बात की है कि हम लोगों ने पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट कराया है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरीके से यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट है, इस तरीके से ये जो है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। इस साइकिल में क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं कि करंट जो है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है तो जो अपर प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और लोअर प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये साइकिल चलता है तो हमारे पास ये जो है पॉजिटिव अपर साइकिल, ये जो पॉजिटिव अपर पार्ट है ये हमारे पास बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। जैसे ही अगले हाफ साइकिल की बात आती है तो इस हाफ साइकिल के लिए क्या होता है कि ये हमारे पास, हम लोग लेट्स सपोज कि ये नेगेटिव आ गया है, ये पॉजिटिव आ गया, और ये हमारे पास दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं जो कि इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को इसलिए शो कराया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जब जो हमारे पास एसी है वो इस तरीके का साइन होता है, यानी कि ये वाला साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह है, इसलिए मैंने इसको जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारा करंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्यू चार्जेस और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, और ये वाला काम जो था ये 0 से T/2 में हुआ था और ये जो काम है T/2 में T/4 में कम्प्लीट हो जाता है इस तरीके से। अब जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारा जो करंट और वोल्टेज है वो इन फेज नहीं होते बल्कि आउट ऑफ फेज होते हैं। जब आउट ऑफ फेज होती हैं तो मतलब कि इनके अंदर जो है π/2 का डिफरेंस आ जाता है। π/2 का डिफरेंस इस तरीके से आता है कि कैपेसिटर के अंदर ये होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो लैग करता है हमारे करंट से। लेट्स सपोज कि ये हमारा करंट है, मैं इसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लूँ इस तरीके से, ये हमारे करंट की वेव आ रही है, और जो हमारा अब वोल्टेज आएगा वो हमारा वोल्टेज कुछ इस तरीके से आएगा कि हमारा वो वोल्टेज यहाँ से लेट्स सपोज स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी हमारी वोल्टेज की वेव आ गई जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब हम लोगों ने बात की थी जब मैंने आपको फेज के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम उसकी पीक देखते हैं कि सबसे पहले पीक किस चीज़ की आ रही है। लेट्स इस ओरिजिन पर जो है सबसे पहले पीक ये हमारा करंट है ना, तो इसकी पीक पहले आ रही है और यहाँ से गुजरने के बाद ये हमारे वोल्टेज की पीक आती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो करंट है वो लीक कर रहा है और हमारा जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। आपको ये समझ नहीं आए इसलिए मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि ये देखें ये हमारी जो है ये बेस लाइन थी, ये हमारा करंट आ रहा था ये करंट, और ये हमारा जो है वोल्टेज आ रहा है जो कि इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब यहाँ पर जाके जो है हमारी वोल्टेज की पीक है, लेकिन इस पीक से पहले भी तो करंट की पीक यहाँ पर होगी ना, मतलब कि आपने पीछे वाला केस देखना है। आपको जब भी ये केस दिया जाएगा आपके एंट्री टेस्ट के अंदर या एग्जाम के अंदर ये पूछने के लिए कौन सी केस लीड कर रही है कौन सी लैग, तो आपको हमेशा कुछ इस तरह का डायग्राम बना के दिया जाएगा। लेट्स से कि ये इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है। अब ये जो है आपके पास करंट है और ये आपके पास जो है ये आपके पास सच वोल्ट है और ये करंट है, तो ये आपकी मेन पोजीशन है। अब आप देखिए इसकी पीक जो करंट की पीक है वो पहले आई है देन वोल्टेज की पीक आई है, तो आपके पास जो आप जो जवाब देंगे वो यही कहेंगे कि आपका करंट जो है आपके वोल्टेज से लीड कर रहा है और आपका जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है आपके करंट से। इन द केस ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स में हमेशा करंट जो है वो लीड करता है, यही मेजर फर्क है जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर आता है। रेजिस्टेंस में दोनों इनफेज होते हैं, कैपेसिटर में हमारा करंट लीड करता है और जो इंडक्टर है उसमें हमारा वोल्टेज लीड करता है। तो इस तरीके से जो है हमारा वोल्टेज और वेव की जो है आपस में वोल्टेज और करंट की जो है वेव इस तरीके से कैपेसिटर के अंदर बन जाती हैं। अब इसे ज़रा मज़ीद डिटेल में समझाने के लिए मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। लेट्स से कि ये एक वेव आ रही है हमारे पास और एक जो है वो वेव इस तरीके से आ रही है हमारे पास ये। अब ये वाली जो है ये हमारे करंट की है और ये वाली जो वोल्टेज ये हमारे वोल्टेज की वेव है, और ये जो है हमारा जो पॉइंट है इसे मैं इस तरीके से कह देती हूँ कि ये हमारा जो है, बल्कि उससे थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके बना देती हूँ ताकि हमें भी आसानी हो। अब ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है। अब हमें मालूम है कि अगर हम लोग इस पीक को मद्देनज़र रखते हुए इसको यहाँ से यूँ ब्रेक कर लेते हैं
वो चाहे वो नीचे वाले किसी भी पॉइंट पर आ रहा हो, उसे आपने नहीं देखना, इसे जो दरमियान से ब्रेक करिए, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इससे पीछे भी तो हमारा करंट गुजरा था ना, तो यहाँ पर एक ब्रेक आ जाता है और इससे पीछे पीछे ब्रेक आता जा रहा है। ये जो ब्रेक आप ले रहे हैं या ये जो डॉटेड लाइन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली आप पाई बाई टू के डिफरेंस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे कि देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसकी पीक यहाँ पर थी और इसकी पीक से यहाँ तक जो फ़र्क है वो पाई बाई टू का है। इसके बाद ये पाई बाई टू का डिफरेंस आ जाता है, फिर पाई आ जाता है, फिर हमारे पास थ्री पाई बाई टू, और फिर जाके हमारे पास टू पाई कम्प्लीट हो जाता है। यानी कि हर वेव का अपना एक ट्रेंड है। ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर आके इसका हाफ टाइम है, जो टाइम है वो कम्प्लीट हो गया, यानी कि टी बाई टू कम्प्लीट हुआ और यहाँ आकर इसका कम्प्लीट टी हो गया। ये जो वोल्टेज है वो हमारी करंट के बाद आना स्टार्ट होती है, तो जब वो आती है तो ये यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर, यानी कि इसे अगर मैं नाम दे दूँ कि ये ए है और ये बी है, तो ए से बी तक जो है वो हमारे पास क्रस्ट बनती है वोल्टेज की। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ कि ये हमारी जो है ओ से ए है, तो ओ से ए पर हमारे पास पहले करंट आता है, देन हमारे पास ए से बी तक फिर वोल्टेज आना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से जो है वो पाई बाई टू के डिस्टेंस पे जो है वो वेरी करती है, यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो पाई बाई टू का डिस्टेंस आता है, और ये एक दूसरे से लीड और लैग करती हैं। अब जैसे कि मैंने कैपेसिटर की बात की, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारा करंट लीड कर रहा होता है और हमारा जो वोल्टेज है वो लैग करता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो चीज़ हमारी लैग करती है उसे हम लोग नीचे रखते हैं, और जो चीज़ हमारी लीड करती है तो उसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि वो पाई बाई टू के डिफरेंस पर लीड कर रही होती है तो उसे हम लोग अपर बनाते हैं। अगर बिल्कुल ये हमारा करंट जो है लैग कर रहा होता तो मैंने इस करंट को इस तरीके से बना देना था, यहाँ पर हमारा वोल्टेज रहना था और मैंने करंट को नीचे की तरफ ले जाना था, क्योंकि अब हमारा करंट जो है वो लैग कर रहा है। लेकिन ये सिचुएशन रॉन्ग है, क्योंकि हमारा कैपेसिटर के अंदर करंट तो लीड कर रहा है, तो मैं उसे इस सिचुएशन में बनाऊंगी और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पाई बाई टू का है। तो पाई बाई टू का डिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो है एक्सिस आ जाते हैं, इस एक्सिस के अंदर ये हमारे पास वोल्टेज और ये हमारे पास करंट है। ये करंट और वोल्टेज के दरमियान ये जो हिस्सा है ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, इसे पाई बाई टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर इस तरीके से इनका जो आप कह सकें कि फ्रीक्वेंसी को, यानी कि आपका जो इसका एंगल है, एंगल को हम लोग ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा जो है वो टू पाई एफ टी है, यानी कि टू पाई एफ है क्योंकि टी तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी तरीके से अगर आप लोगों को आपके कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप बताना पड़े, ये एक्स सी है, जैसे कि हर चीज़ की रेजिस्टेंस होती है ना, किसी चीज़ के अंदर अगर रेजिस्टेंस लगी है तो हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर एसी सोर्स के अंदर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो उसे हम आर कह देते हैं। इसी तरह अगर कैपेसिटर के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसे हम कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं और एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगला केस जो हम इंडक्टर का पढ़ेंगे, उस इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम एक्स एल कह देते हैं। मतलब कि हर एक का अपना अपना रेजिस्टेंस के साथ एक नाम है, जैसे कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होगी, इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगी, यानी कि रेजिस्टेंस के उसके साथ नाम है। अब ये जो एक्स सी है इसका फ्रीक्वेंसी के साथ जब रिलेशनशिप आता है तो ये इन्वर्सली रिलेटेड करता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है कर्व आ जाता है जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं, यानी कि कैपेसिटर के अंदर फ्रीक्वेंसी इस तरीके से रिलेटेड है। ये इस तरीके से क्यों रिलेटेड है इसका एक बाकायदा प्रूफ है, जो कि हम इन केसेस के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, इनका रिलेशनशिप किस तरीके से इस तरह होता है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स सी है वो वन डिवाइडेड बाई ओमेगा सी के इक्वल आता है। इसका हम लोग कंप्लीट प्रूफ भी करेंगे लेकिन इन केसेस के बाद। अब जो हमारा अगला केस है वो हमारा केस है इंडक्टर के लिहाज से, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एसी थ्रू इंडक्टर। अब इंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये हमारे पास अलग से कि ये हमारे पास एक वायर्स हैं, वायर्स के साथ हम लोगों ने जो है एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया है, और इस एसी सोर्स के साथ यहाँ पर जाके हम लोगों ने एक इंडक्टर लगा दिया जिसे मैं एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये हमारा एसी सोर्स है। अब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टू केसेस में देखा है कि ये हमारे जो है बेस लाइन है, जो कि आज तक हम लेते आ रहे हैं, जब से हम लोगों ने केसेस स्टार्ट किए हैं, हमारे पास इस तरीके से वेव बनना शुरू हो जाती है। ये हमारी एक वेव आ जाएगी,
अब इस वेव में क्या होता है कि इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लें, चूँकि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड देन नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाता है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास एसी सोर्स है यहाँ पर, अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लें पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये हमारे पास जो है इंडक्टर। फर्स्ट केस में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट फ्लो करता है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव साइकिल बनना शुरू हो जाता है। ये पॉजिटिव साइकिल तब बनता है जब जीरो से यहाँ पर टी बाई टू टाइम हो जाता है और एंगल हमारे पास पाई कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, रिवर्स का मतलब ये है, इस तरीके से आप ले लें कि अब हमारे जो टर्मिनल है वो एक्सचेंज हो गए, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये एसी सोर्स ही रहा और यहाँ पर जो है इंडक्टर ही लगा हुआ है, लेकिन अब हमारा करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा तो नीचे से ऊपर की जानब जो है हमारी ये पॉजिटिव से नेगेटिव आए, बल्कि ये हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव आए, और उसके बाद में बल्कि से मुझे इस तरह से बनाना चाहिए कि हम लोग जो हैं सबसे पहले हमारा जो है ऊपर वाला साइकिल होता है यहाँ तक पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल है और ये हमारा पॉजिटिव के बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव साइकिल है, और ये जो है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल है। हाँ बल्कि अब सही बन गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव और देन नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। पहले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाया था, तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, देन रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो हमारे पास इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाता है जब टाइम भी कंप्लीट हो जाता है और टू पाई एंगल भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंडक्टर के केस में क्या होता है कि इंडक्टर के केस में थोड़ा सा रिवर्स का इस तरीके से है कि यहाँ पर लेट्स सपोज कि इस तरीके से ना वेव बन रही है इस तरीके से, और ये हमारे पास दूसरी वेव आना शुरू हो गई है। ये अब ये जो वेव पहले आती है ना, ये वाली वेव हमारे पास वोल्टेज की वेव होती है और ये वाली वेव हमारे पास करंट की है, यानी कि इंडक्टर के केस में आप ये कह सकते हैं कि आपका वोल्टेज जो है वो लीड करता है आपके करंट से, और कितना लीड करता है आपको मालूम है कि यहाँ पर एक लाइन आ गई, और यहाँ पर हम लोग हमेशा पीक्स उसकी पार्टीशन कर रहे होते हैं, तो पीक से जब हम उस चीज़ की पार्टीशन करते हैं तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस आ जाता है, पीक से आप पार्टीशन कर लें, या ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही आप पार्टीशन करें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ पाई बाई टू को रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर कह सकते हैं, और बल्कि इसे यहाँ पर ना दोबारा से सही करके बनाते हैं ताकि आपको ज़रा आसानी से समझ आ सके। ये जैसे कि मैं पहले सिर्फ करंट वोल्टेज की वेव को बनाती हूँ कि वोल्टेज किस तरीके से आता है। वोल्टेज हमारे पास इस तरीके से यहाँ से यूँ आना शुरू होता है, ये सिर्फ वोल्टेज की ही वेव जा रही है। उसके बाद क्या होता है, इस पॉइंट से ये जो हमारा मिड पॉइंट है, अब यहाँ से मैं लेती हूँ कि ये हमारे पास करंट इस तरीके से आता है, करंट बाद में आता है और उसके बाद जो है यहाँ से आता है और उसके बाद ये हमारा करंट भी कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमारे करंट की वेव ये चलेगी और ये हमारे वोल्टेज की वेव है। अब एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, उसके बाद जो है ये हमारे पास इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पर एक इसका जॉइंट था, इधर से मैंने इसको पार्ट कर लिया और फिर ये इसका था, इसको यहाँ से मैंने ब्रेक कर लिया, ये यहाँ पर आके एक और पॉइंट आ जाता, उसको मैंने ब्रेक कर लिया, और ये इस तरह से इसको मैंने जो है हर जगह पे डॉट्स लगा के इनको ब्रेक कर लिया। जब ये इन फेज होते हैं तब तो हम लोग इजीली इनको ब्रेक कर सकते हैं कि इनके मिड से हम लोग दो लाइंस लगा के इजीली इनको बता देते हैं, लेकिन अगर ये मिड से ना हो, मतलब कि लीग और लैग का जो है वो केस आ रहा हो, आउट फेज हो रहे हो, तो जहाँ पर ये आपस में मिल रहे होते हैं कि यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, इसके क्रस को डिवाइड कर दिया, फिर इसकी ट्रफ को जहाँ पर ये एंड हो रहा है, मतलब कि आपने सिर्फ एक वेव को माइंड में रखना है। आप लेट सपोज कि टाइम जो है आपका करंट, उसको माइंड में रखो और क्या करो, यहाँ से जैसे कि ये करंट है इसको माइंड में रखा, यहाँ पर पार्ट कर दिया, अब ये यहाँ पर एंड हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव आया, इसको पकड़ा यहाँ से हाफ कर दिया, फिर ये नेगेटिव से यहाँ जा रहा है, इसके मिड को पकड़ा यहाँ से कर दिया, और ये जब टी से नेगेटिव से कम्प्लीट पॉजिटिव पे चल जाता है तो इसको हाफ कर दिया। मतलब कि सिर्फ डॉट लगाने का मतलब ये है, आपको पता चल जाए कि ये वाला जो है ये पाई बाय टू है, यहाँ पर आके कम्प्लीट पाई हो जाता है, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू, और यहाँ पर आके जो है आपके पास टू पाई हो जाता है। सिमिलरली इसके पीछे भी तो यहाँ पर इसकी वेव कंप्लीट हो रही होगी ना, उसकी वेव जब कंप्लीट हो रही होती है तो उसका भी इसी तरीके से प्रोसीजर चल रहा होता है कि इसके दरमियान, अब देखिए अब हर जगह पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पाई बाय टू का आ रहा होता है। अब क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो पहले आ गया और हमारा करंट बाद में आया है, तो अगर हम लोगों को इसके भी लीड और लैग के लिए फीचर्स बनानी हो तो हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है वो अब ऐसे है, यानी कि मैं इस तरह से बना लूँ अपने वोल्टेज को, ये हमारा जो है करंट आ गया, और अब की बार जो हमारा वोल्टेज है
वो लीड कर रहा है हमारे करंट से और कितना लीड कर रहा है हमें मालूम है कि वो पाई बाई टू लीड कर रहा है। अगर यही वाला केस हम लोगों को इस तरीके से बनाना हो, मतलब कि आई यहाँ पर, ये हमारा वोल्टेज है ना, इसे मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ कि मैं वोल्टेज को यहाँ रख लूँ। आज देखिए मैंने लास्ट वीडियो में ये अभी थोड़ी सी पीछे मैंने ये बात की है कि वोल्टेज को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पर रखते हैं। अगर मैं यही बात पर कायम रहूँ कि हम इसे एक्स एक्सिस पर रखते हैं यहाँ पर, तो मैं इस तरीके से करंट को डाउनवर्ड ले जाऊँगी, तब भी इसमें कोई इस कॉन्सेप्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं वोल्टेज को यहाँ पर अलोंग कर लेती हूँ तो मुझे करंट को यहाँ पर रखना पड़ेगा। और ये जो है, चूँकि ये पॉजिटिव सेंस में ये जो इससे लीड कर रहा है, तो ये अपवर्ड इसका परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर अपना वोल्टेज रख लेती हूँ तो मेरा करंट जाहिर सी बात है लैग कर रहा है, तो वो नीचे जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो कंडक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है और उसकी रेजिस्टेंस के साथ। कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसे कंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्सएल है ये हमारे जो है इसे कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और इस तरीके से इनकी जो लाइन है वो इस तरीके से आ जाती है। इस चीज़ को हम लोग जो है बाकायदा प्रूफ में, बल्कि इस तरीके से आती है कि दोनों चूँकि डायरेक्टली रिलेटेड हैं तो ओरिजिन से स्टार्ट हो गई, ये कंप्लीट इस तरीके से आ जाता है, इनसे से बन मेरा इस तरीके से हमारे पास जो है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है। आपको मालूम है जब दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हों तो इस तरीके से उनका ग्राफ बन जाता है। और इस प्रूफ को भी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सएल भी किस तरीके से अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। सिर्फ वक्त हम लोगों ने जो है इस वीडियो के अंदर तीन केसेस देखे हैं कि इंडक्टर के साथ हमारे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि इंडक्टर के अंदर से जो हमारे रेजिस्टेंस है उसका और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, एक बात। दूसरी बात हम लोगों ने ये देखी कि इंडक्टर के अंदर के साथ जब भी हम एसी सोर्स लगा दें तो करंट और वोल्टेज आपस में आउट ऑफ फेज होते हैं और हमारा वोल्टेज लीड करता है, हमारा करंट लैग करता है। और कितने पे लैग करता है? पाई बाई टू के डिस्टेंस पे लैग करता है। अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में हमारी जो रेजिस्टेंस है वो हमारी फ्रिक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होती है और यहाँ पर हमारा करंट जो है वो लीड करता है और हमारी जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है। इसी तरह अगर मैं सिंपल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सिंपल रेजिस्टेंस के अंदर चूँकि करंट और आपस जो वोल्टेज है वो इन फेज होते हैं, उनके दरमियान कोई जो है आउट फेज नहीं होते बल्कि पैरेलल होते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं आता, दैट्स व्हाई हमारी जो फ्रिक्वेंसी है हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये कुछ केसेस थे कि किस तरीके से एसी सोर्स इन तीनों के साथ अप्लाई करता है और किस तरीके से अपना काम करता है। मतलब कि एसी सोर्स की थोड़ी बहुत तो वेरिफिकेशन आपने देखी है ना कि किस तरीके से रेजिस्टेंस लगाने से आउट फेज हो जाते हैं, करंट और वोल्टेज किस तरीके से इन फेज आ जाते हैं। मतलब कि ये तीनों केसेस आज की वीडियो में हम लोगों ने एसी के सोर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं।